हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो आउटपुट डिवाइसेस थे आपका प्रिंटर्स, उसको डिटेल में मींस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, इन तीनों के वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग क्या करेंगे इसमें बारी बारी से हम लोग समझेंगे। ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते, इवन आपके सिलेबस में ये नहीं दिए हुए फिर भी, क्योंकि आपके सिलेबस में आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है और उसी को कंसिडर करके आपसे प्रिंटर्स के वर्किंग मैकेनिज्म को पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। अगर इसके कुछ हम लोग प्रीवियस इसके हिस्ट्री को देखें तो द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर आल्सो नोन एज अ पिन प्रिंटर। इसे क्या कहा जाता है, इसे पिन प्रिंटर भी कहा जाता है। दैट वाज रिलीज्ड बाय आईबीएम इन 1957। इसे 1957 में आईबीएम के द्वारा रिलीज किया गया था। ऑल्दो इन 1970 सेंट्रोनिक्स क्रिएटेड द फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर। 1970 में सेंट्रोनिक्स ने अपना फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर को क्रिएट किया। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स स्ट्राइक एन इंक रिबन यूजिंग प्रिंट हेड्स दैट प्लेस थाउजेंड्स ऑफ लिटिल डॉट्स टू फॉर्म इमेजेज एंड टेक्स्ट। ये क्या करते हैं, इस तरह के प्रिंटर्स इंक रिबन को जो कि प्रिंट हेड में लगे हुए रहते हैं उसे क्या करते हैं, थाउजेंड्स टाइम्स इसको पेपर पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब कैसे करते हैं हम लोग समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे वर्किंग मैकेनिज्म को। नाउअडेज एज कंपेयर्ड टू लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर्स इट इज लेस यूज्ड। अभी के जमाने में जब लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स का चलन हो गया है तो इसका बहुत ही कम यूज होता है। एज इट्स प्रिंटिंग स्पीड स्लो एंड जनरेट लोअर क्वालिटी इमेज। इसका प्रिंटिंग स्पीड स्लो होता है और ये लो क्वालिटी के इमेज को जनरेट करती है। However, dot matrix printers are still in use in some sectors like package delivery companies and auto parts stores. ठीक है, इन सभी जगह पे अभी भी इसका यूज किया जाता है। आप अगर बैंक में चले जाइएगा तो बैंक में भी आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज स्पीड गिवन इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का स्पीड होता है वो सीपीएस कैरेक्टर्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। द स्पीड कैन वेरी फ्रॉम 50 टू ओवर 500 कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये 50 टू 500 कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए कैपेबल है। मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ऑफर डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रिंट डिजायर्ड। जिस तरह का प्रिंट आपको चाहिए उस तरह के क्वालिटी पे ये क्या करता है, अलग अलग तरह का स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिंस द मैकेनिज्म दैट प्रिंट द डॉट्स। ये क्या डिटरमाइन किया जाता है, नंबर ऑफ पिंस के द्वारा, यानी जो मैकेनिज्म यूज होता है, जो डॉट्स पेपर पे क्या होता है स्ट्राइक होते हैं, उस मैकेनिज्म का यूज करने के यूज होता है प्रिंट क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इट कैन वेरी फ्रॉम 9 to 24, यानी कि जो आपका पिन होता है वो 9 to 24 वेरी हो सकता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइएस्ट क्वालिटी जो हाईएस्ट क्वालिटी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें जो नंबर ऑफ पिंस होते हैं वो कितने होते हैं, तो 24 आपको ध्यान देना है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सो द बेस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स 24 पिंस कैन प्रोड्यूस नियर लेटर क्वालिटी टाइप ऑल्दो यू कैन स्टिल सी अ डिफरेंस इफ यू लुक क्लोजली। यानी जो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो लेटर क्वालिटी के टाइप देता है, यानी कि उस तरह का भी नहीं, अगर आप क्लोजली लुक करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द प्रिंटर्स एंड इट इज इजली अवेलेबल इन द मार्केट। ये लेस एक्सपेंसिव है और मार्केट में भी इजली अवेलेबल है। इट हैज द एबिलिटी टू प्रिंट कार्बन कॉपीज ऑफ पार्टिकुलर प्रिंट आउट अनलाइक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। किसी भी प्रिंट आउट का ये कार्बन कॉपीज प्रिंट कर सकता है। इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट इज लोएस्ट देन अदर प्रिंटर्स। इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट होता है वो अदर प्रिंटर से लोअर होता है। Furthermore, its maintenance cost is less expensive than other printers. इसका जो maintenance cost होता है वो भी कम होता है। Disadvantage की बात करें तो they can only print low resolution graphics with limited color performance, limited quality and comparatively low speed. यानी कि resolution आपका low होगा, बहुत ज़्यादा low होता है, limited color performance होता है, यानी कि limited color को ही ये support करते हैं, क्वालिटी आपका लिमिटेड रहता है और साथ में स्पीड जो रहता है स्टूडेंट वो काफी इसका लो होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है क्या, इट क्रिएट्स हाई नॉइज। बिल्कुल, आप बैंक वगैरह में जाइएगा या जहां पे पासबुक प्रिंट होता है वहां पे क्या होता है स्टूडेंट कि हाई नॉइज जब आप देखिएगा तो घड़गड़ घड़गड़ आवाज करता है वो अंदर में। वो क्या आवाज करता है, वो प्रिंट हेड जो होता है वो स्ट्राइक करता है इंक कोटेड रिबन को पेपर पे,
वो क्या करता है, आवाज करता है when the pins hit the ribbon to the paper. It may be a time consuming printer as it requires a single paper to wound up and aligned manually. ये time consuming भी होता है क्योंकि ये single paper को wound up करके, जैसे अगर आप जाइएगा जहाँ पे गैस पासबुक का चिरकुट मिलता है, ठीक है, या जो भी आपको मिलता है पुर्जा वगैरह, या ट्रेन में जो ट्रेन रिजर्वेशन में आप जाइएगा तो वहां पे देखिएगा, अगर आप काउंटर से टिकट लेते हैं तो वहां पे जो पहले से क्या होता है पेपर रखा हुआ होता है वो देखिएगा कि एक दूसरे से जुटा हुआ रहता है, और वहां पे जो काउंटर पे आदमी बैठा हुआ होता है वो क्या करता है, आपका सारा डेटा एंटर कर दिया, टिकट आपका काट दिया, उसके बाद वो उससे फाड़ कर देता है. ऐसा नहीं होता कि आपका टिकट क्या होता है ऐसे प्रिंट होकर निकल रहा है अलग अलग, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है. मतलब क्या कि कुछ इस तरह से पेपर हमारा है, ये यहाँ पे बॉन्डेड रहता है, बहुत सारा पेपर अच्छे से बॉन्डेड रहता है ऐसे नहीं, और यहाँ पे क्या ऐसे ऐसे बना दिया जाता है ताकि यहाँ से ये फाड़ा जा सके थोड़ा सा, और ये मूव करते रहता है ना, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते रहता है. जब आप देखिएगा प्रिंट होगा तो यहाँ पे आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से फाड़ कर आपको दे देगा, फिर दूसरे को यहाँ से, फिर यहाँ से, यानी तो ये थोड़ा सा क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है. समझ गए आप लोग? अब हम लोग समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि बहुत ही बीबीआई आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो देखिए आखिर ये वर्क किस प्रकार से करता है, ध्यान दीजिए. सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर सेंड्स अ सीरीज ऑफ आस्की कोड्स दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स पंक्चुएशन एक्सेट्रा एंड ऑल्सो सेंड्स सम प्रिंटर मूवमेंट्स इंफॉर्मेशन सच एज टैब्स कैरिज रिटर्न्स एंड फॉर्म फिट्स एक्सेट्रा विच कंट्रोल्स द पोजिशन ऑफ द प्रिंट हेड एंड प्रिंट कैरी. अब मैंने बोला क्या, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, मींस जो आपका प्रिंटर है ये जिस भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है ये कंप्यूटर सेंड करेगा प्रिंटर को. क्या सेंड करेगा, ए सीरीज ऑफ आस्की कोड सेंड करेगा, और उस आस्की कोड में क्या होगा, वो आस्की कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सेट ऑफ कैरेक्टर्स पंक्चुएशन होंगे उसमें, और कुछ प्रिंटर मूवमेंट्स की कितने टैब आपको मूव करना है, कैरिज रिटर्न क्या होगा, फॉर्म फिट्स क्या होगा, और प्रिंट हेड प्रिंट कैरिज का पोजिशन. ठीक है, प्रिंटर रिसीव्ड द आस्की कोड, इस आस्की कोड को प्रिंटर क्या करेगा, रिसीव करेगा एंड फर्स्ट स्टोर इनसाइड ऑन बफर. प्रिंटर में क्या होता है, बफर मेमोरी होता है. आप लोग जानते हैं अगर आप कभी प्रिंटर को कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का कमांड दीजिएगा, बीच में लाइट कट हो जाता है तो क्या होता है बताइए, आप अगर डिवाइस को हटा भी लीजिएगा जब आप अगेन प्रिंटर में लाइट दीजिएगा तो वो सारा क्या करता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है. तो आखिर वो डॉक्यूमेंट उसके पास कहां से आया, उड़ के तो नहीं आ गया, वो क्या होता है इसके बफर एरिया में स्टोर रहता है. आगे बात समझ में? तो प्रिंटर क्या करेगा, इस आस्की कोड को पहले अपने पास स्टोर कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, आइए आगे हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेसर इनसाइड द प्रिंटर सेलेक्ट्स अ पार्टिकुलर डॉट पैटर्न फ्रॉम द बिट मैप टेबल कनेक्टेड इन द प्रिंटर्स रॉम चिप. अब ये हम बात कर रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के. अब प्रोसेसर जो कि प्रिंटर के अंदर मौजूद है वो क्या करेगा, एक पार्टिकुलर डॉट पैटर्न को चूज करेगा बिट मैप टेबल से, और ये बिट मैप टेबल कहाँ रहता है, रॉम चिप में मौजूद होता है. The printer's processor takes the dot pattern information from the bitmap table and sends the signal to the printhead. वो क्या करेगा? अब printer का processor क्या करेगा? Printhead को signal भेजेगा. The printhead print pins reconnected to individual solenoid or electromagnet. और printhead क्या करेगा? जो भी individual solenoids electromagnet से connected होगा उसपे वो print करेगा. To fire the print pins, this electromagnet is energized. इस electromagnet को energized किया जाएगा fire करने के लिए. This repels the magnet connected at the end of the pin, causing the pin to move it towards the paper. हम लोग अभी समझते हैं. The moving pin strikes the ink coated ribbon. और moving pin क्या करेगा? Ink coated ribbon को strike करेगा. इसको समझिए. अगर आप इसे समझ गए तो आप अच्छे से समझ जाइएगा. After the pin fires, the electromagnet is de-energized and the string pulls back the print pin into its original position, ready to fire again. देखिए होता क्या है, ये आपका कुछ प्रिंट हेड है, जो हम प्रिंट हेड बार बार पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या है प्रिंट हेड है, और इसमें क्या है डिफरेंट पिंस है. ये नंबर ऑफ पिंस वेरी करेंगे, कितने हैं 9 to 24. इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है. ठीक है, अब ये पिन क्या होता है स्टूडेंट, ये इनर्जाइज्ड होता है. जब इनर्जाइज्ड होता है तो ये क्या करता है, ये पुल करता है, और पुल करता है तो ये स्ट्रिंग कोटेड रिबन को क्या करता है, वहां पे हिट करता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका प्रिंट होता है डॉट 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 इन्फॉर्मेशन, और ये डिफरेंट डॉट से मिलके एक
क्या होता है, शेप आपका बनता है. सो दस द प्रिंट हेड कंटिन्यूज फायरिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रिंट वायर्स एज इट मूव्स अक्रॉस द पेज सो दैट वेरियस वर्टिकल डॉट पैटर्न्स कैन बी प्रिंटेड टू प्रोड्यूस डिफरेंट कैरेक्टर शेप. और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें प्रिंट होता है. ठीक है, तो आइए एक और फिगर को देखिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. दीज पिंस प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर टू फॉर्म द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. ठीक है, ये जो पिन होते हैं स्टूडेंट, ये पैटर्न्स ऑफ डॉट्स को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं पेपर पे एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को बनाने के लिए. जैसे अगर ए प्रिंट करना है और ये देखिए थोड़ा लो क्वालिटी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो ये क्या करेगा, देखिए थोड़ा आपको इसमें लो रिजोल्यूशन का मिलेगा. लेकिन वही आप थोड़ा हाई क्वालिटी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लीजिएगा तो वहां भी आपको रिजोल्यूशन औरों के मुकाबले तो लो ही मिलेगा, लेकिन इसके मुकाबले लो क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छा रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा. ये देखिए कुछ इस प्रकार से डॉट 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 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो है कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, चलिए बढ़िया. तो आई होप आप लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के मैकेनिज्म को समझ गए होंगे. ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करने की बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जस्ट थ्योरी पढ़ना है, वर्किंग मैकेनिज्म समझना है, एग्जाम में पूछा जाए तो इसको लिखना है. आगे हम लोग समझते हैं अब इंकजेट प्रिंटर और उसके वर्किंग मैकेनिज्म को. तो अब हम लोग देखते हैं इंकजेट प्रिंटर और इसके वर्किंग मैकेनिज्म को. सो इट इज वाइडली यूज्ड बाय होम एंड बिजनेस कंप्यूटर्स यूजर्स दैट प्रिंट्स कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग द इंक यूजिंग मैग्नेटिक प्लेट्स ऑन द पेपर. ये वाइडली यूज्ड होता है होम में और बिजनेस कंप्यूटर में, जहां पे क्या होता है, इंक को स्प्रे करके मैग्नेटिक प्लेट्स और पेपर पे स्प्रे करके इसे क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है. अब हम क्या कह रहे हैं ये आपको समझ में आएगा जब हम डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे इसके वर्किंग मैकेनिज्म. ठीक है, इट कंटेन्स अ पेपर फीड असेंबली, इंक कार्ट्रीज, प्रिंट हेड, स्टेबलाइजर बार एंड बेल्ट. ये सारे इसमें रहते हैं. किसमें, इंकजेट प्रिंटर में. इट स्टोर्स द इंक इन कार्ट्रीज. ये क्या करता है, कार्ट्रीज में इंक को स्टोर करके रखता है. इट यूजेज सेपरेट कार्ट्रीज टू प्रिंट सेवरल टाइप ऑफ कलर डॉक्यूमेंट्स. दीज कलर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ सियान, मैग्नेटा, येलो एंड ब्लैक कलर. ये चारों क्या होते हैं, इसमें कलर अलग अलग कार्ट्रीज में ये चारों कलर इसमें होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, दीज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैव द एबिलिटी टू क्रिएट हाई क्वालिटी पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ विविड कलर्स. ये क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करके. फर्दर मोर द इंकजेट प्रिंटर्स आर मोर अफोर्डेबल एंड ईजियर टू यूज एज कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स. अदर प्रिंटर्स के मुकाबले ये अफोर्डेबल होते हैं और ईजियर टू यूज होते हैं. ए टिपिकल इंकजेट प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस कॉपी विथ अ रिजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 300 डॉट्स पर इंच डीपीआई. सम इंकजेट प्रिंटर्स कैन मेक फुल कलर हार्ड कॉपीज एट 600 डीपीआई और मोर. यानी ये लगभग 300 डीपीआई टू 600 डीपीआई तक ये क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. और डीपीआई क्या होता है स्टूडेंट, ये जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन होता है वो डीपीआई डॉट्स पर इंच में मेजर किया जाता है. हम लोगों ने पीपीआई पढ़ा था, पिक्सल पर इंच. क्या हम लोग कर रहे थे, किसी डिस्प्ले का या इमेज का रिजोल्यूशन को मेजर कर रहे थे. यहाँ पे क्या किया जाता है, डॉट्स को मेजर किया जाता है, डॉट्स पर इंच. मेनी मॉडल्स इंक्लूड अदर डिवाइसेस सच एज स्कैनर, फोटोकॉपियर एंड डेडिकेटेड फैक्स मशीन अलॉन्ग विद द प्रिंटर इन अ सिंगल बॉक्स. देखिए इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है स्टूडेंट, कि इसके साथ में स्कैनर भी लगा होता है, मीन्स आप डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं, फोटोकॉपियर भी लगा होता है, आप क्या कर सकते हैं, कार्बन कॉपी भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. दिस कॉपी फ्रॉम एन इंकजेट प्रिंटर नीड्स अ लिटिल टाइम टू ड्राई. जो इंकजेट प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी मिलता है वो थोड़ा समय लगता है सूखने में, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करता है, वो डायरेक्टली आपके लिक्विड जो इंक रहता है उससे प्रिंट करता है. सो एडिक्वेट ड्राइंग टाइम इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ द हार्ड कॉपी कंटेन्स लार्ज रीजन्स ऑफ सॉलिड ब्लैक और कलर. जो आपका सूखने का समय है वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है अगर लार्ज एरिया में क्या है, ब्लैक या सॉलिड कलर कोई है तो. इंकजेट प्रिंटर्स ऑल्सो रिक्वायर नॉन पोरस पेपर. ये नॉन पोरस पेपर इंकजेट प्रिंटर को चाहिए. क्यों, अब नॉन पोरस पेपर क्या, ऐसा नहीं हो कि इंक मैं दूं तो दूसरे टाइप दूसरे तरफ छप जाए या बह जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. इन बॉन्ड पेपर कंटेनिंग कॉटन और अदर फाइबर्स द इंक मे ब्लीड अलोंग द फाइबर्स. पेपर डिजाइंड स्पेशली फॉर इंकजेट प्रिंटर्स इज हैवियर देन द पेपर यूज्ड विथ लेजर प्रिंटर्स और फोटोकॉपियर्स. जो इंकजेट प्रिंटर्स के लिए पेपर डिजाइन होते हैं वो दूसरे प्रिंटर्स के अलग होते हैं, हैवियर होते हैं. हैज हाइयर ब्रिलियंस, इट्स वाइटर एंड इज समवट मोर एक्सपेंसिव, और ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है,
Another limitation is the fact that most inkjet printers are slow and they are not designed for high volume print jobs. जो inkjet printers अधिकतर होते हैं वो क्या होते हैं, slow होते हैं और high print jobs के लिए design नहीं किए होते हैं कि आप एक बार में 500-600 पेज प्रिंट करें तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा. This type of printer is expensive to operate over time compared with a laser printer. अगर ज़्यादा समय तक रखा जाए तो inkjet printer जो होता है वो ज़्यादा costlier ही हमें पड़ जाता है क्योंकि हम ज़्यादा पेज एक बार में प्रिंट नहीं कर सकते, टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है. पेज इसके लिए अलग होता है जो कि ज़्यादा costlier होता है. इसमें हमें बार बार इंक डालने की नीड होती है, अलग अलग जो चार इंक इसमें होते हैं. So when it is necessary to make hundreds of copies per day or thousands of copies per week, an office quality laser printer is better choice. Laser printer इसके लिए better choice होगा, ठीक है. तो working mechanism थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं student, जो कि बहुत ही important है. तो ये हमने working mechanism को पहले आपको figure से समझाने की कोशिश की है, उसके बाद जो है student हम लोग step by step साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है. तो आइए हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है. देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और समझाया गया है किस प्रकार से आखिर ये प्रिंट होता है. तो देखिए समझिए, ये क्या है, आपका पेपर है, ये आपका प्रिंट हेड हो गया स्टूडेंट. ये आपका जो है ये टोटल आपका क्या हो गया, प्रिंट हेड हो गया. और प्रिंट हेड में यहाँ पे देखिए आपको इंक कार्ट्रिज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. ये इंक कार्ट्रिज है और ये क्या होते हैं, साइडवेज, यानी कि ये पेपर है आपका, ये आपका पेपर है. अच्छा पेपर यहाँ ये है, ठीक है. ये पेपर जब नीचे आएगा यानी जब ऐसे प्रिंट हो रहा है तो ये स्टूडेंट आपका मूव करता है, ये आपका साइड वे ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, जो इंक कार्ट्रिज होते हैं. चलिए अब आखिर होता क्या है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे स्टूडेंट हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. एन इंक फिल्ड कार्ट्रिज अटैच्ड टू इंक जेट प्रिंटर हेड moves sideways across the width of the sheet of paper. ये जो ink filled cartridge होते हैं ये क्या होता है student, move करता है paper के side में, ठीक है. The print head is made up of small ink filled chambers, each attached to a nozzle smaller than a human hair, ठीक है. प्रिंट हेड जो है स्टूडेंट ये स्मॉल इंक फिल्ड चैम्बर्स का बना हुआ होता है और जिससे कनेक्टेड होते हैं एक टीनी नॉजल से जो कि स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर होता है. एन इलेक्ट्रिकल पल्स फ्लोज थ्रू अ हर्टिंग एलिमेंट्स दैट इज ए थिन रेजिस्टर्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंक चैम्बर्स, ठीक है. यहां से क्या होता है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रिकल पल्स को फ्लो किया जाता है और वो इलेक्ट्रिकल पल्स क्या करता है, जैसे देखिए इसे यहाँ पे दिखाया गया, ये इसके इंटरनल भाग को देखिए, ये आपका जो प्रिंट हेड है इसी के देखिए अंदर जो चीजें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है. देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए आपका ये जो तीन आपको कार्ट्रिज दिख रहा है इसके अंदर की बात है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या है, एक आपका यहाँ रजिस्टर है, ठीक है. और ये क्या करेगा, हीटिंग एलिमेंट जो कि हीट करेगा, इसे क्या करेगा, हीट करेगा. जब ये हीट होगा तब क्या होगा, फ्लोज थ्रू, ठीक है, हीट होगा. देन व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर हीट्स अ थिन लेयर ऑफ इंक एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर टू मोर देन 900 डिग्री फारेनहाइट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. दिस मेक्स द इंक टू बॉयल एंड फॉर्म्स अ स्मॉल बबल ऑफ वेपर. ये क्या करेगा, इसे बॉयल करेगा और यहाँ पे स्मॉल बबल वेपर यहाँ पे जेनरेट करेगा. और ये जो आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये आपको होल, ये स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर होता है. आ गई बात समझ में, ठीक है. सो एज दिस बबल एक्सपैंड इट पुशेस इंक थ्रू द नॉजल टू फ्रॉम डॉपलेट एंड द टिप ऑफ द नॉजल. जैसे जैसे ये बबल यहाँ पे बन रहा है, चूंकि ये क्या कर रहा है, इसे गर्म कर रहा है, तो जब हीट हो रहा है तो यहाँ बॉटम में बबल बनना स्टार्ट होगा और बबल जैसे ही बड़ा होगा उसके बाद ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा. सो हीटिंग एलिमेंट्स हीट्स अप फॉर्मिंग द बबल इन द इंक. ग्रोइंग बबल फोर्सेस इंक फ्रॉम ट्यूब. जैसे ही बबल आपका बड़ा होगा तो ये फोर्स करेगा, ये क्या होगा, आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है. सो When the bubble further expands, the ink droplet overcomes the surface tension and the pressure of the bubble forces the droplet onto the paper, forming a dot. वो क्या करेगा? Then paper पे एक छोटा सा dot बनाएगा और इसी dot के combination से मिलकर आपका क्या होगा? Figure student generate होगा. A typical character is formed by a number of these tiny dots. है ना? Thousands of lakhs of these tiny dots मिलकर क्या होते हैं? एक typical characters को generate करते हैं. As the register cools, जैसे ही register आपका cools होगा, the bubble collapses, bubble collapse हो जाएंगे and the resulting section
पुल्स फ्रेश इंक फ्रॉम द अटैच्ड रिवर्स ईयर इनटू द इंक चैम्बर। और यहाँ पे क्या होगा, इंक चैम्बर से, ये जो इंक चैम्बर आपको देख रहा है यहाँ से अगेन फ्रेश इंक आपका आ जाएगा, यहाँ पे फ्रेश इंक आपका आ जाएगा। आ गई बात समझ में, किस प्रकार से वर्किंग प्रिंसिपल होता है इंकजेट प्रिंटर्स का, बात समझ में आई। ये क्या है स्टूडेंट, इंक कार्ट्रिज है, फिर से समझिए, इंक कार्ट्रिज, इसमें इंक भरे हुए, ये क्या होगा मूव करेगा पेपर के साइड, इधर इधर मूव करेगा। नाउ इसके अंदर क्या होता है ये देखिए, ये क्या है एक टिनी होल्स है, स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर है, यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट्स लगा हुआ है, ये हीट करता है इसे, जब हीट करेगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जैसे ही हीट होगा, और कितना हीट कर देता है ये भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 900 डिग्री फारेनहाइट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मीन्स एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 900 डिग्री फारेनहाइट तक इसे क्या कर देता है, हीट कर देता है, तो यहाँ बबल फॉर्म हो जाता है, और वो बबल जैसे ही बड़ा होता है तो बाहर निकलता है, और बड़ा होता है तो वो एक्सपैंड होने लगता है, तो जो ऊपर का प्रेशर रहता है वो उसे फोर्स करता है, वो बाहर निकल जाता है, और चूंकि स्मॉलर देन ह्यूमन, मान लीजिए ह्यूमन एयर है तो छोटा सा प्रिंट हो गया, देन उसी तरह से वो मिलकर एक डिफरेंट कैरेक्टर्स को, अलग अलग कैरेक्टर्स को, और वो शेप्स को क्या करता है, प्रिंट करता है। तो एडवांटेजेस की बात करें तो द इंकजेट प्रिंटर्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, दीज प्रिंटर्स आर इजी टू यूज, एडिशनली दीज टाइप ऑफ प्रिंटर्स डू नॉट टेक वार्म अप टाइम। ठीक है, नाउ वार्म अप टाइम का मतलब क्या, यानी कि आप तुरंत स्टार्ट कीजिए और तुरंत प्रिंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट मे टेक मोर टाइम टू प्रिंट, प्रिंट करने के में, अगर देखिए वार्म अप में समय नहीं ले रहा है लेकिन प्रिंट करने में ये ज्यादा समय लेता है। इट्स रनिंग कॉस्ट इज हाई, यानी इसका मेंटेनेंस ज्यादा होता है। समटाइम्स इट कैन प्रोड्यूस अ रॉन्ग वार्निंग ऑफ एन एम्प्टी कार्ट्रिज, कभी कभी ये कार्ट्रिज आपका एम्प्टी नहीं होता है फिर भी आपको रॉन्ग वार्निंग जनरेट कर देता है। नाउ अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट लास्ट जो हमारा है लेजर प्रिंटर। सो द लेजर प्रिंटर इज वन ऑफ द कॉमन पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर्स, ये कॉमन पर्सनल कंप्यूटर से ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1971 में, एंड किसके द्वारा कहां किया गया था, जेरोक्स पार्क बाय गैरी स्टार्क वेदर। इट यूजेज द लेजर और नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट द टेक्स्ट एंड इमेजेज ऑन द पेपर, ये लेजर का यूज करता है, लेजर बीम का यूज करता है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। व्हाटएवर इट गेट्स इनपुट टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट, लेजर बीम ड्रॉज द डॉक्यूमेंट ऑन द सिलिनियम कोटेड ड्रम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो भी इसे इनपुट मिलता है प्रिंट करने के लिए वो क्या होता है, सिलिनियम कोटेड एक ड्रम होता है उस पर ड्रॉ कर देता है और वो पेपर पे ट्रांसफर हो जाता है। कैसे होता है हम लोग समझेंगे अभी वर्किंग मैकेनिज्म में। सो व्हेन द ड्रम इज चार्ज्ड इट रोल्ड इन टोनर ड्राइंग पाउडर, जब ड्रम चार्ज हो जाता है तो ड्राइंग पाउडर में उसे क्या किया जाता है, रोल कर दिया जाता है। द इंक फॉलोज द इमेज, और जो इंक होता है वो उस इमेज को फॉलो कर लेता है, विच है चार्ज्ड ऑन द ड्रम। द इंक इज कंबाइंड विद द पेपर इंक्लूडिंग हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर के साथ क्या किया जाता है, इंक को कंबाइन किया जाता है, देन ट्रांसफर्ड ऑन अ चंक पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी हम लोग समझते हैं वर्किंग मैकेनिज्म में। When the document is printed, जब document print किया जाता है, the excess toner is collected and an electric charge is removed from the drum. Most of the laser printers are capable of printing only in monochrome. अधिकतर जो laser printer है वो सिर्फ monochrome में capable है print करने के लिए, यानी black and white में। The monochrome laser printer is around 10 times cheaper than a color laser printer. यानी जो monochrome laser printer होता है वो 10 गुना सस्ता होता है color laser printer से, ठीक है। There are many differences between a laser printer and inkjet printer. अगर हम लेजर और इंकजेट के बीच differences को देखें, so क्या है यहाँ पे, the laser printer contains dry ink. Laser printer में dry inks होता है जबकि inkjet printer में wet ink होता है। An inkjet printer is approximately 10 times more expensive than the laser printer. Inkjet printer जो होता है वो laser printer से 10 गुना ज्यादा क्या होता है, महंगा होता है। As it requires replacing the ink very frequently. उसमें ink को बार बार, क्योंकि हमें very frequently replace करना पड़ता है। If a paper is wet, the inkjet printer will print the document with blur, but the laser will print clear. मतलब अगर कोई पेपर आपका थोड़ा सा वेट है, भीगा हुआ है, तो जो इंकजेट प्रिंटर है वो ब्लर इमेज को प्रिंट कर देगा, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करता है, वो इंक का यूज करता है, लिक्विड इंक का यूज करता है, लेकिन लेजर में ड्राई टोनर पाउडर का यूज होता है और इसलिए ये वेट पेपर पे भी क्लियर प्रिंट करेगा। द इंकजेट प्रिंटर इज सुइटेबल फॉर प्रिंटिंग फ्यूअर डॉक्यूमेंट्स व्हाइल द लेजर प्रिंटर हैज द एबिलिटी टू प्रिंट मोर डॉक्यूमेंट्स। लेजर प्रिंटर के एडवांटेजेस की बात करें
तो आप लोग जान सकते हैं दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैव अ हायर पेपर कैपेसिटी, इट इज लेस एक्सपेंसिव, इंकजेट प्रिंटर से ज्यादा लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इट हैज द एबिलिटी टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स स्पीडली प्रिंट कर सकते हैं, फर्दर मोर इट इज एबल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, किसी ऑफिस में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्योंकि स्पीड इनका फास्ट है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये वार्म अप टाइम इन्हें लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर्स आर बल्की एज दे रिक्वायर द लेजर टेक्नोलॉजी एंड इमेजिंग ड्रम, इट रिक्वायर्स हाई वोल्टेज लीड्स टू अ स्मॉल कार्बन इमिशन, ये हाई वोल्टेज की इन्हें नीड होती है जिससे वो थोड़े बहुत कार्बन को भी उत्सर्जित करते हैं। हम लोग अब समझते हैं स्टूडेंट वर्किंग प्रिंसिपल को जो कि बहुत ही VVI है, ठीक है। तो इस फिगर के माध्यम से हम लोग पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। ये आपके लेजर प्रिंटर के इंटरनल का मैकेनिज्म है, ठीक है, इंटरनल भाग है। फर्स्ट है क्या, रिसाइडुअल टोनर रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रम बाय अ स्क्रैपिंग और पासिंग अंडर अ डिस्चार्जिंग एंड इरेजिंग लैंप, यानी इस टोनर पे जो भी पहले से ड्रम में जो भी लगा हुआ है उसे क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्या होगा, यूनिफॉर्म हाई वोल्टेज निगेटिव चार्ज अप्लाई टू द ड्रम। अब क्या जाएगा, अब क्या क्या जाएगा, इस ड्रम पे एक यूनिफॉर्म हाई वोल्टेज निगेटिव चार्ज को अप्लाई किया जाएगा, यानी अब इस ड्रम पे क्या हो जाएगा, पूरा निगेटिव चार्ज हो जाएगा और वो भी यूनिफॉर्म मैनर में, ऐसा नहीं कहीं निगेटिव चार्ज ज्यादा है कहीं कम है, एकदम यूनिफॉर्म मैनर में, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, लेजर बीम सेलेक्टिवली डिस्चार्जेस द इमेज एरियाज ऑनटू द रोटेटिंग ड्रम रिवर्सिंग द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज टू अ वीक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा लेजर बीम, ये लेजर बीम क्या करेगा, यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल मिरर आपका क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो लेजर बीम इस हिसाब से यहाँ पे करेगा कि जो भी आपको इमेज को प्रिंट करना है, कैरेक्टर को प्रिंट करना है, उन सभी एरियाज को डिस्चार्ज कर देगा और उन्हें स्ट्रॉन्ग, उन्हें क्या करेगा, यहां देखिए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज टू अ वीक पॉजिटिव चार्ज, उन्हें एक वीक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेगेटिवली चार्ज्ड टोनर पार्टिकल्स एडहेर टू ओनली द एरियाज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज बाय द लेजर। नाउ यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, नेगेटिवली चार्ज टोनर पार्टिकल्स अधेर टू ओनली द एरियाज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज बाय द लेजर, मतलब क्या, ये सारे जो यहाँ पे क्या है टोनर पाउडर है आपका, वो क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और जिस इमेज को प्रिंट करना था, जिस कैरेक्टर को प्रिंट करना था, उस एरिया को इस लेजर ने क्या किया है स्टूडेंट, इस लेजर ने उसे वीक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें पता है कि अब चूंकि निगेटिव पॉजिटिव तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अब क्या होगा, जो आपका टोनर पाउडर है निगेटिवली चार्ज्ड, वो क्या होगा, इस वीक पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ये क्या होगा, यहाँ पे उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो पेपर रिसीव्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, नाउ इस पेपर पे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, एंड निगेटिवली चार्ज टोनर पार्टिकल्स ऑन द ड्रम आर ट्रांसफर टू द पेपर। अब चूंकि जो निगेटिवली चार्ज टोनर पाउडर हैं ड्रम पे, वो क्या होंगे, इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पेपर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। टोनर पार्टिकल्स आर फ्यूज्ड और मेल्टेड ऑन टू द पेपर, और जो टोनर पाउडर होंगे उन्हें यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस फ्यूजर रोलर के द्वारा मेल्ट कर दिया जाएगा। ये हुआ आपका टोटल वर्किंग प्रिंसिपल कि किस प्रकार से वर्क करेगा, ये आपको स्टेप्स भी बता दिया गया। तो अगर आप अलग अलग पॉइंट्स में स्टेप्स को देखें, तो सबसे पहले चार्ज होगा, ये क्या करेगा, दिस स्टेप क्लीन्स द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल फोटोसेंसिटिव ड्रम एंड प्लेस अ यूनिफॉर्म नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ये क्या करेगा, इस सरफेस को, इस ड्रम के सरफेस को क्लीन कर देगा और इसमें यूनिफॉर्म क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को प्रोवाइड कर देगा। एक्सपोज ए डेटा मॉड्यूलेटेड लेजर बीम स्कैन्स द ड्रम सरफेस कन्वर्टिंग सेलेक्टेड नेगेटिव पॉइंट्स टू पॉजिटिव पॉइंट्स, यानी ये लेजर बीम क्या करेगा, इस ड्रम को स्कैन करेगा और कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स को, कौन से सेलेक्टेड पॉइंट्स को, उस कैरेक्टर को, उस इमेज को जिसको प्रिंट करवाना है, उसको क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। चलिए पॉजिटिव में अब ये कन्वर्ट हो गया है, हमने पढ़ा था। अब क्या होगा, ड्राई टोनर पाउडर गेट्स अटैच्ड टू द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द ड्रम। अब जो ड्राई टोनर पाउडर है, चूंकि वो निगेटिव है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ड्रम पे आपका ड्राई टोनर पाउडर आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर, इमेज मेड विथ ड्राई टोनर पाउडर ऑन द ड्रम सरफेस गेट्स ट्रांसफर टू द पीस ऑफ पेपर। जो इमेज यहाँ पे ड्राई टोनर पाउडर पे है, वो क्या होगा, इस इमेज पे
वो क्या होगा, इस पेपर पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज जिसके पहले रिसीव कर चुका है। नाउ अब क्या होगा, डिटैच होगा। दिस स्टेप रिमूव्स द पीस ऑफ पेपर अलोंग विद ड्राई टोनर इमेज ऑन द पेपर फ्रॉम द ड्रम। ये क्या करेगा, इससे पेज को रिमूव कर देगा, यहां से हटा देगा, और लास्ट में आपका ये वाला परफॉर्म होगा क्या, फ्यूजिंग। दिस स्टेप फिक्स्ड द टोनर इमेज ऑन द पेपर विथ हीट एंड प्रेशर। यानी कि जो टोनर इमेज है, फ्यूजर क्या करेगा, इसे फ्यूज कर देगा, मेल्ट कर देगा, यानी हमेशा के लिए इस पे फिक्स कर देगा। देन आपका क्लीन होता है, क्लीन से नहीं, रिसाइडेबल टोनर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ड्रम एंड प्रिपेयर्स द ड्रम फॉर द नेक्स्ट प्रिंट साइकिल। फिर इसे नेक्स्ट प्रिंट साइकिल के लिए क्लीन करके आपका स्टार्ट करेगा। ये हुआ आपका लेजर प्रिंटर का स्टूडेंट मैकेनिज्म। समझ गए आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतने अच्छे से मैंने समझाया है तो आप लोग समझ गए होंगे। फिगर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, अच्छा नेक्स्ट नहीं है कुछ, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका प्रिंटर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कम्प्लीटली 100% आपका एंड हो गया। हमने डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर तीनों को देख लिया, तीनों के वर्किंग प्रिंसिपल को, वर्किंग मैकेनिज्म को हम समझ गए। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स अपना यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।